आज हम बनाएंगे वाटरमेलन का आइसक्रीम। लेट्स ट्राई ये कैसे बनता है। तो मैंने वाटरमेलन लिया और उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसको छान लिया ताकि उसमें कोई भी सीड्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने उसमें आइसक्रीम मिला दिया। 2 से 3 चम्मच आप अच्छे से इस आइसक्रीम को मिला लें, कोई भी आइसक्रीम मिला सकते हैं कोई भी फ्लेवर का। और उसके बाद हम बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। देन हम जो भी ग्लास में अपना आइसक्रीम रेडी करेंगे उसमें हम उसको डाल देंगे। तो एक में मेरा थोड़ा सा कम हो गया, कोई बात नहीं, उसमें हम अपना आइसक्रीम ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, आप देख लेना जब रिज़ल्ट आएगा तब, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपना फॉइल पेपर लगा लेंगे, क्योंकि फॉइल पेपर से ही वो स्टिक है बहुत अच्छे से रहेगा। तो इस तरह से हम दोनों ग्लास में अच्छे से फॉइल पेपर लगा के फिर हम उसको स्टिक लगा देंगे उसके अंदर अच्छे से, ठीक है। और इस तरह से हम स्टिक लगा देंगे और उसको रात भर हम फ्रीज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। तो मैंने रात भर उसको फ्रीज कर लिया था और उसके बाद नेक्स्ट डे हम, रात भर आप नहीं रखना चाहो तो 7 से 8 घंटे तक रखना, रात भर ही अच्छा होता है, वही बेसिकली अच्छा होता है। तो वो फ्री में आराम से अपना बनता रहता है। तो इस तरह से हम निकालेंगे और देखो कितना ईजिली वो निकल गया, इसलिए मैं इस तरह के ग्लासेस में बनाती हूँ आइसक्रीम। तो ये देखो जो सेकंड वाला था इसका रिज़ल्ट देखो कितना अच्छा आया है, हाफ एंड हाफ, मतलब आइसक्रीम बिल्कुल अलग हो गया है और जूस वाटरमेलन का बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये बहुत टेस्टी था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना घर में, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, डू ट्राई।